गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो आपको समझाया गया था, अगर आप उसको पूर्वार्ध मान लें तो उसी का उत्तरार्ध आज आपको समझाया जाएगा। आत्मनिवेदन करूंगा, कल मैंने तीन बिंदुओं के बारे में आप लोगों से बात की थी। मैंने कहा था आप अपने आप को अविनाशी मानिए, कोई आपका विनाश नहीं कर सकता। दूसरा कहा था आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, दूसरों को बैसाखी अपनी मत बनाइए, अपना सहारा खुद बनिए। और तीसरा बोला था अपने आप पर विश्वास करिए। मैंने ही बोला था अनंत शक्तियों के भंडार आप हैं, क्योंकि आपको बनाने वाला जो परमात्मा है वो स्वयं इतना महान है, तो उसकी कला या उसकी रचना क्यों नहीं महान होगी। इसलिए अपनी मनोभूमि की रचना उस तरह से करिए जिसमें विश्वास के बीज बोए जाएं, और विश्वास के बीज से मतलब है कि जमाना आप पर विश्वास करे। आप उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। ऐसी रचना अपनी मनोभूमि की करो। आप में वो क्षमता पैदा हो जाए जो चींटी की तरह से रेत में से शक्कर को निकाल ले। आप भी छान करके सत्य को निकालने वाले हंस बन जाएं। अगर आप हंस बन गए तो शक्ति स्वरूपा मां गायत्री आपको अपना वाहन बना लेगी विश्वास और सत्य के आधार पर। कल मैंने इस बात को बड़े अच्छे से समझाया था, आज मैंने कहा है कि कल पूर्वार्ध था, आज उसी का ही उत्तरार्ध है। राज का काज दो चीज पर चलता है, राज्य के नियम और तोड़ने पर दंड, यानी कि नियम और दंड की व्यवस्था पर काम चलता है। सरकार काम चलाने के लिए दो चीज का सहारा लेती है, एक प्रलोभन और दूसरा भय। दो चीज का सहारा लेती है। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं,
भय और प्रलोभन पर जो जिंदगी जी जा रही है, भय और प्रलोभन, क्या उसमें सुख शांति है? यदि ये संभव होता तो सारे देशों में शांति होनी चाहिए थी, क्योंकि सभी देशों में वहां की कानून व्यवस्था और दंड की व्यवस्था दोनों लागू हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं, परंतु कहीं पर भी शांति नहीं है। पूरी दुनिया को देख लीजिए, देश देश के साथ अड़ंगी लगा रहा है और लास्ट में कहूंगा इंसान इंसान के साथ अड़ंगी लगा रहा है। सभी देश सभी समाज अपराध से भरे हुए हैं। अगर ना होती तो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हुई होती, परंतु देखते हैं पुलिस के थाने, कोर्ट या कहिए जितने भी सरकारी विभाग हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं और कार्यों के ढेर उनमें लगे पड़े हैं, क्योंकि आदमी लोभ मोह से ग्रस्त हो गया है। क्या बोला है मैंने जरा ध्यान देना, आदमी कानून के दायरे में तो रहता है परंतु लोभ और मोह करता है तो अपराध भी करता है, पकड़ा जाता है तो सजा होती है, दंड मिलता है, नहीं भी मिलता है, गलत काम किया है तो अंदर से भय खाता है, अपने आप को कमजोर बनाता है, अपना आत्मविश्वास जाता रहता है, अपना विचारों का बल खत्म हो जाता है, दृढ़ संकल्प का बल जो है वो कम हो जाता है और व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। सोच करके देखो ऐसा व्यक्ति कैसे अविनाशी परमात्मा का पुत्र कहा जाएगा, उसकी संरचना कहा जाएगा। अब फिर से कह रहा हूं, अगर समाज में चिरस्थायी सुख शांति लानी है तो वो तभी संभव है जब जन जन अपने उत्तरदायित्व को समझे, साथ में पाप और पुण्य को भी समझे। उत्तरदायित्व से मतलब है पाप और पुण्य को भी समझे, क्या पाप है और क्या पुण्य है उसको भी समझे। इसके बिना अपराध कम नहीं हो सकते, बिना किसी दबाव के डरे और नैतिकता का मूल्य माने स्वयं आत्म प्रेरणा से दुष्कर्मों से विमुख आदमी रहे, सामाजिक और राजकीय प्रतिबंध होते हैं। अभी समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। सामाजिक और राजकीय प्रतिबंध आदमी के ऊपर होते हैं, यानी कि समाज का भी नियम होता है और राज्य का भी नियम होता है। ना राज्य के बगैर राजकार्य चलता, ना सामाजिक व्यवस्था के बगैर सामाजिक कार्य चलते हैं। आज एक बात को देखिए, जो सामाजिक बंधन है
वो बहुत अल्प रह गए हैं, बहुत अल्प रह गए हैं। साधारणतया आदमी किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, और आज तो स्थिति ये पैदा हो चुकी है। संसार में अपने बनाने वाले अपने माता पिता से भी नहीं डरता है, दूसरी तरफ अपनी अंतर आत्मा से भी नहीं डरता है। इतना बेशर्म निर्लज्ज आदमी बन चुका है। क्षमताओं में केवल इतना ही होता है, जिनने कोई दुष्कर्म किया है समाज में उसकी निंदा भर्त्सना होती है, या समाज दंड के रूप में उसको जो उसके कुपरिणाम है, दुष्परिणाम है, उन कुकर्मों का दंड देता है। इससे उसकी प्रवृत्ति कहां रुक गई? आज आदमी जहां निर्लज्ज हो गया, मैंने देखा है, व्यक्ति नहीं राजा स्तर की बात भी कह रहा हूं, पहले ऐसे राजा हुए, युद्ध किए, पाप के लिए युद्ध किए, हार गए, पकड़े गए, मृत्यु दंड मिला, परंतु नाक रगड़ दी, खुशामद कर दी कि अब ऐसा नहीं करेंगे। रहम हमारे देश का गुण है, रहम खा करके उनको छोड़ दिया गया, परंतु वो ही काम उन्होंने फिर भी किए। मैंने देखा है नशापत्ती करने वाले जब नशापत्ती कर लेते हैं, नशा टूटता है, उतरता है, तो उनका शरीर भी टूटता है और वो पछताते हैं और कहते हैं अब नहीं करेंगे, परंतु शाम होते होते एक सरूर उनके अंदर पैदा होता है जो उसी काम को करने के लिए उनको मजबूर करता है। बहुत बार तो आदमी को देखा जाता है कि वो इतना निर्लज्ज हो जाता है कि बार बार दंड पाते रहने पर और बार बार अपराध करता रहता है, उन्हें समाज में निंदा लांछन का कोई भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। इतना ही क्यों, बहुत बार तो अपराधी अपनी चतुरता, साधनों और परिस्थितियों का लाभ उठा करके दंड व्यवस्था को ही धोखा दे देता है, तब उनकी वो प्रवृत्ति और उत्साहित होती है। जब वो दंड व्यवस्था को ही इतनी चालाकी से धोखा दे सकता है, तो अंदर से कहता बिगाड़ लो, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो इस काम को और करूंगा। प्राप वृत्ति का दमन, बाह्य प्रतिबंध या भयों से नहीं हो सकता, उसका दमन तो मनुष्य की स्वयं अंतर प्रेरणा से ही संभव है। इस अंतः प्रेरणा का आधार पूर्ण रूप से एक ही चीज है, उसको कहते हैं आस्तिकता। और आपको बताया था श्रद्धा जब पकती है तो आस्तिकता पैदा होती है। जब मनुष्य को ये निश्चय हो जाता है कि ईश्वर है दुनिया में, वो सर्वव्यापक है, सर्वजनीन है, कण कण में समाया है, न्यायशील और सर्वशक्तिमान है, सबसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अच्छे बुरे कर्मों का वो साक्षी है, देखने और जानने वाला है, वो पाप कर्म करते डरेगा क्योंकि वो परमात्मा को अनुभव करने लगा। उस अनुभूति के कारण वो पाप से डरेगा। उसको एक बात का निश्चित रूप से पता लग गया
के गलत काम करने का मतलब है कि परमात्मा दंड देगा ही देगा, बच नहीं सकते। जब तक आदमी ईश्वर के अस्तित्व और उसकी सर्वव्यापकता न्यायशीलता पर अपने अनुभव को, अपने विश्वास को, उसके पक्के स्वरूप को नहीं समझेगा, तब तक व्यक्ति पाप में लिप्त रहेगा। वह अज्ञानतावश सुंदर सुखकर लाभकर दिखाई देने वाले पाप एक आकर्षण से आकर्षण होने के कारण बचे रहते हैं, मर नहीं पाते। पापों में बड़ा भयानक प्रलोभन छुपा हुआ होता है जो मनुष्य को अपनी ओर बलात् खींचता रहता है। उपाय सच्ची और संपूर्ण आस्तिकता ही केवल उसका उपाय है। पाप का बीज विचारों में रहता है और उसकी प्रणति कर्मों में होती रहती है। अंतःकरण में कुविचार उठते ही रहते हैं, मस्तिष्क भी उसके अनुसार योजना को रचने में लगा रहता है। जिसे शरीर इंद्रियों की सहायता से अनायास ही क्रियान्वित कर डालता है। इस प्रक्रिया के बीच बीच में राजदंड और समाज का भय विचारों में काम करता रहता है, किंतु निर्बल और नैतिकता के कारण कुछ अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता। कुविचार इतने हावी हो जाते हैं कि वो पाप से डर ही नहीं पाता है। कुविचार के सहायक दुस्साहस के बल पर लोग उस कल्याणकारी भय की उपेक्षा कर देते हैं। सोचिए, अगर इतनी हिम्मत जितनी वो पाप कर्म के लिए करता है, अगर इतनी हिम्मत पाप से बचने के लिए करने लग जाए, तो जिंदगी में एक भी पाप उसके सामने ना रह जाए। पाप के लिए आदमी कितनी बड़ी बड़ी जोखिम उठाता है, साथ साथ उन रास्तों को भी बंद करने की कोशिश करता है जो भय के कारण राजदंड या समाज दंड के रूप में सामने आने का प्रयत्न करते हैं, उनको छुपाता है। निष्पाप नैतिकता के विकास और उसके प्रबलता के लिए विचारों का निर्विकार होना बहुत आवश्यक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमता और निष्पक्ष न्यायशीलता, जब तक इसका निश्चय नहीं होगा, अनैतिक विचारों को रोका नहीं जा सकता है। कुविचारों पर अंकुश रखना तभी संभव होगा जब कर्म फल, स्वर्ग नरक, लोक परलोक, जन्म पुनर्जन्म, अधम योनियों में पैदा होने वाले जीवों की प्रक्रिया को हम ठीक से समझ जाएं। इन सत्यों पर हमारा विश्वास जम जाए, हमारा निश्चय दृढ़ हो जाए, कुमार्ग पर पैर रखते हुए आदमी तभी डरेगा। अब तो झुटला रहा है, समाज को भी झुटला रहा है, परिवार को भी झुटला रहा है, अपने आप को भी झुटला रहा है और भगवान को भी झुटला रहा है।
उसका विश्वास तुरंत ही पाप में बदल जाता है और सत्य के मार्ग को छोड़कर के कुमार्ग पर चला जाता है। उसके पैरों में जंजीर डाल देना कर्म के कारण, अंतर चेतना के कारण, उसके सोच विचार संकल्प शक्ति उन सब पर प्रतिबंध लग जाता है, या कहिए पैरों में जंजीर लग जाती है। कर्म करना चाहता है, हथकड़ी लग जाती है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके अंदर के अंग गलते और जलते हुए चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये राजदंड नहीं है, ये समाज दंड नहीं है, ये प्रभु का दंड है। निश्चित रूप से उसको भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से उसको भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता। आज के घोर भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक विचारधारा यदि पूरी तरह नहीं मिट गई है, मैंने कल एक बात कही थी, इस दुनिया में सत्य ही सत्य है, असत्य थोड़ा सा है। इस दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार थोड़ा सा है। यानी कि सारी अच्छी दुनिया बनाई गई है भगवान के द्वारा, बुराई इसमें है ही नहीं। परंतु जानते हैं, जैसे ही थोड़ी सी भी बुराई क्रियाशील होती है, उसके दंड व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। ईश्वर के प्रति यथार्थ निष्ठा में कमी आ जाने के कारण उसके परिणाम व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। आज संसार में चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वातावरण में संपन्नता और संपन्नता से सुसंपन्नता, समाज और राष्ट्र सुख शांति के लिए जो तरस रहे हैं, आस्तिकता की कमी के कारण समाज में कुकर्म बढ़ गए हैं। और आज की सर्वव्यापी अशांति इन्हीं कुकर्मों का ही परिणाम और फल है। सोच करके देखो, परस्पर राग द्वेष छीना झपटी अनितिपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, वहीं आज कष्टों कलेशों शोक संतापों के रूप में फलीभूत होकर के हमारे सामने आकर के खड़ी हो रही है। इनका जन्मदाता व्यक्ति स्वयं है, ये कहीं अपने आप से पैदा नहीं हुई है। आज मैं आपको जिन बातों को समझा रहा हूं उनको ध्यान से समझ लें, कल इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए इसके बारे में समझाऊंगा। आज आप इतना केवल समझ लें कि मेरे ही कर्मों के कारण मेरी चेतना चारों तरफ से घिरी हुई है। अगर आपको ये एहसास हो गया कि मेरे ही कर्मों ने मेरी ही चेतना को चारों तरफ से घेर लिया है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो इसी में से रास्ता निकालेंगे कैसे आगे बढ़ा जाए। उसके लिए शोक संतापों के रूप में
जो फलीभूत हो रहा है, जिसने हमारी सांस लेना भी बंद कर दिया है और चैन से रहना भी बंद कर दिया है, उस राग द्वेष स्वार्थ के साथ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों के स्वयं के प्रति इतना स्वार्थ और राग बढ़ गया है कि समष्टि के प्रति एक प्रकार से अपने आप को अंधा व्यक्ति ने बना लिया है। अंधकार में रहने के कारण अंधा हो गया, सब कुछ अपने लिए चाहने वाले और दूसरों के हितों के अधिकारों को प्रति द्वेष रखने वाले समाज में अशांति और असुख की परिस्थितियों के लिए विशेष उत्तरदायी होते हैं। स्वार्थी को यदि 100 नास्तिकों का एक आस्तिक मान लिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। स्वार्थी को कहा है, संसार में व्यक्तिगत अथवा समष्टिगत जितने भी प्रकार के कष्ट कलेश दिखाई पड़ते हैं, वो सब मेरे उन्हीं कर्मों के अनुसार हैं जो मैंने किए हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बगैर कर्म के पैदा हो गया हो। केवल अपने लिए किए गए कर्मों के फल को भोगना व्यक्ति का कर्म है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे लोगों के माध्यम से समाज पर भी पड़ता है। व्यक्ति के साथ समाज को भी दुख का भाग भोगना पड़ता है। शरीर के अंगों की तरह व्यक्ति भी समाज के एक अंग का निर्माण करता है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी अंग यदि दूषित हो जाता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर और उसके अंगों पर जाकर के पड़ता है। आज समाज में बुराई का बोलबाला है, आज मुश्किल ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, मुश्किल कह रहा हूं, एक व्यक्ति होगा जो उन बुराइयों से बचा हुआ होगा। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले भी उस पाप के रास्ते से बड़ा मुश्किल बच पाते हैं दूषित विचारों के कारण। जिस समाज में जितने दूषित विचार कर्म कुकर्म बढ़ेंगे, वैसे ही व्यक्ति समाज में बढ़ते चले जाएंगे और दुख का अनुपात समाज में ज्यादा होने के कारण समाज में कष्टों की वृद्धि हो जाएगी और जो आज की परिस्थितियां विभीषिकाएं पैदा हो गई हैं वो हर आदमी के सामने पैदा हो जाएंगी। इसलिए बड़े अच्छे से एक बात कह रहा हूं, व्यक्ति की बुराई से समाज को बचाने के लिए पूर्व काल के में पापी को का बहिष्कार अथवा सार्वजनिक निंदा की एक प्रथा प्रचलित थी, जो राजदंड की तरह ये सामाजिक दंड भी अपरिहार्य माना जाता था। समाज द्वारा दिया जाने वाला बहिष्कार और सार्वजनिक घृणा का दंड मृत्यु दंड से भी कहीं ज्यादा कष्टकारक होता है। उसके डर से लोग किसी हद तक बुराई से बचे रहने का प्रयास करते थे, लोक निंदा और भर्त्सना के कारण अपने आप को बचाने का प्रयास करते थे।
अब संसार के सभी समाजों में ये व्यवस्था उठ गई है। जिन समाजों में इसका कुछ विरोध अवशेष के रूप में दिखाई भी देता है वो एक नगण्य सा है। पहले हुक्का पानी रोटी बेटी इनके साथ में समाज जुड़ा हुआ होता था। उसका कारण भी कोई सामाजिक मान्यता अथवा रूढ़ी का उल्लंघन करना ही होता था। असत्य बेईमानी शोषण चोरी जुआ या अनितिपूर्ण कार्य जिसका कुप्रभाव समाज के ऊपर और समाज की शांति के ऊपर पड़ता है वो व्यवस्था आज उसका बहिष्कार हो चुका है। इसलिए व्यक्ति को कोई डर नहीं रह गया, इसलिए अब व्यक्ति को किसी से कोई डर नहीं रह गया। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, एक बाप बीड़ी पीता है तो अपने बच्चे को कैसे मना करेगा कि तू बीड़ी मत पीना, क्योंकि मैंने पी के देख ली है। वो अपने बच्चे को मना करने की सामर्थ्य नहीं रखता, परंतु अगर वो नशापत्ति नहीं करता है तो दृढ़ता के साथ अपने, मैं कहूंगा गौरवान्वित अपने आप को करके, दृढ़ता से कहेगा कि मेरे घर में कोई ऐब नहीं है। परंतु अगर वो अपने घर में रोकना चाहता है तो पहले अपने आप को रोकना पड़ेगा। मैंने अभी कहा जो समाज में रोटी बेटी का हुक्का पानी का संबंध है, अब वो सब प्रथाएं चली गई और उनके जाने के कारण आज आदमी इतना निर्लज्ज हो चुका है। पहले रोटी बेटी का संबंध था, अब अपनी मर्जी से बच्चे शादी कर रहे हैं। पहले आदमी समाज में बैठता था। एक कार्यकर्ता ने तो एक बार मुझसे ये कहा, जिस तरह हवाई यात्रा को कंट्रोल करने के लिए राडार लगाया जाता है, वो सारी सूचनाओं को इकट्ठा करता है पर आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज को निर्देश भी देता है, पहले यही कार्य समाज में हुक्का करता था। पूरे समाज की जानकारी हुक्का पीने के कारण एक जगह इकट्ठी हो जाती थी। वहां पर बैठ करके आदमी अपने पूरे दिन की योजना को बनाता था। जहां दिक्कत आएगी कमी आएगी दूसरे व्यक्ति उसको परामर्श देकर के उसकी सहायता करते थे, सारी दिक्कतें कमजोरियां निकल जाती थी। समय बदला है। क्या समय बदला है? विचार बदला है। अब हुक्के पानी की जरूरत नहीं रह गई, दूसरे नशों से उसकी पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण एक सी वृत्ति के व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपनी बात रखते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब वो नीतिमत्ता जो कभी समाज जिसके ऊपर टिका हुआ था, आज वो समाज में से उसका शोषण हो चुका है। सामाजिक मान्यता अथवा रूढ़ियों का उल्लंघन करना ही असत्य बेईमानी शोषण चोरी जुआ और अनितिपूर्ण कार्यों का बीज बनता है, जिसका कुप्रभाव सारे समाज की सुख और शांति पर जाकर के पड़ता है। ये व्यवस्था पर जाकर के अपने प्रभाव को छोड़ती है। सामाजिक बहिष्कार की प्रथा अब कहीं भी दिखाई नहीं देती है, और दिख भी जाए तो
स्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो रही है कि आज का आदमी बुराई का साथ देता है। सत्य के रास्ते पर चलने वाला अकेला रह जाता है, उसका कोई साथ देने वाला आज नहीं मिल पाता। सामाजिक बहिष्कार तो अब कहीं भी नहीं मिलेगा। देखा है अभी पिछले दिनों कुछ खाप पंचायतें हुई थी जिन्होंने तरह तरह के फैसले लिए थे परंतु चले कहां, चले नहीं, चल ही नहीं पाएंगे जब उनके पीछे कोई उनकी बैक नहीं होगी। आज तो उनका उल्टा रूप दिखाई देता है। ऐसे कुकर्मियों से लोग डरकर अथवा अपना किसी प्रकार लाभ और लोभ से उनका समर्थन आज करते हैं, डर और लोभ से उनका समर्थन करते हैं। तुमने संबंध तोड़ लिया तो तुम घाटे में रह जाओगे, इसलिए आदमी डरता है सच्चे रास्ते पर चलने से। ऐसी विपरीत दशा में समाज की सुख शांति की जो क्षति आज पहुंची है वो स्वाभाविक है। प्राचीन काल में प्रथम तो नास्तिक कदाचित ही कोई होता होगा, ऐसा वातावरण बना हुआ था जिसमें बच्चा जन्म लेता था और उसी स्ट्रक्चर में ढलता हुआ चला जाता था। हमने देखा है, सुना भी है, हमसे पहले के लोग हमने देखे हैं जो अपनी आन बान जबान को कटने नहीं देते थे। मैंने स्वयं देखा कि मैं अपनी गर्दन को झुकने नहीं दूंगा, मुझे चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। लोग बुराई को स्वीकार नहीं करते थे बल्कि उससे अपने संबंध को काट लेते थे। बोलना बंद कर देना, लेन देन का कोई भी जो सामाजिक है उसका बहिष्कार कर देना, इनको प्राथमिकता दी जाती थी, इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती थी। लोग उसे किसी प्रकार का संबंध रखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने संबंध रखा तो समाज ने इसका बहिष्कार किया है, हमारा साथ हो जाएगा। नास्तिक व्यक्ति को बड़ा पापी माना जाता था और उसका कारण था कि आस्तिकता की लोक परलोक स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म कर्म फल में अनास्थावान माना जाता था। प्रायः नास्तिक जो व्यक्ति हैं वह ऐसी विचारधारा के होते थे जिन्हें कर्म फल का कोई भय नहीं होता था। व्यक्ति किसी भी गलत काम को करने में संकोच करता था, किसी भी गलत काम को करने में संकोच करता था, परंतु आज व्यक्ति भोगवादी हो गया है जिसके कारण इंद्रिय सुखों की लिप्सा, इंद्रिय सुखों की लिप्सा उसका मूल उद्देश्य रह गया है। नैतिक का जो गुण है वो उसके अंदर से लोप हो गया। सामाजिकता को हमें दोबारा से मानना पड़ेगा, सामाजिकता के दायरे में हमको बंधना पड़ेगा।
याद रखना, जो कोई कुछ नहीं कर पाता है समाज सब कुछ कर लेता है। इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। आज सामाजिक बहिष्कार की प्रथा है ही नहीं। राजदंड अनैतिक अपराधी से रोक सकने में पूर्णतया सफल नहीं है, और सफल हो भी किस प्रकार सकता है? पुलिस और गुप्तचरों की इतनी पर्याप्त संख्या संभव नहीं है, इतने विशाल जन समूह पर पहरा दे सके, अथवा हर जगह पर गुप्तचर प्रकट स्थानों में रह सके, ये संभव नहीं है। आज अपराधी पकड़े जाते हैं तो तिकड़म लगाते हैं, रिश्वत देते हैं, अपने आरोपों को जो अपने ऊपर सिद्ध होते हैं, कोई गवाही देता है तो उसके सामने मुसीबत यानी कि मौत तक की भी स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसे कितने हैं जो अपनी शहादत को स्वीकार कर लें, ना उसके पीछे एक अपराधी प्रवृत्ति जो छुपी हुई है वो काम करती रहती है। धन व्यय कर सकने वालों को ऊंचे ऊंचे वकीलों की योग्यता के आधार पर बच निकलने की सुविधा मिल जाती है। सुधार जिससे हो सके, कुविचार जिससे बदल सके, अनैतिकता की भावना का जन्म ना हो, मनुष्य की अंतः प्रेरणा जब सत्कर्मों के रूप में अग्रसर होगी तभी ये स्थिति पैदा होगी। अगर पावन स्थिति को चरित्रार्थ करने के लिए आवश्यकता इस बात की होगी कि मनुष्य में अधिक से अधिक आस्तिकता का विकास किया जाए, भाई मैं और किसी को तो नहीं कह सकता पर तुम सब मेरे से प्यार करते हो। अगर मेरे से तुम प्यार करते हो तो जो मैं बोल रहा हूं इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सामाजिकता ही एक रास्ता दिखाई देती है। रीटा बार बार चक्की के बारे में लिख सकती है, वो भी स्त्रियों का समाज है जहां पर आकर के व्यक्ति जुड़ता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर गंदा होगा, अगर कोई महिला वहां पर गंदी आएगी तो सिर उठा करके बात नहीं कर पाएगी। इसलिए एक सामाजिकता का निर्माण करना होगा। परम पूज गुरुदेव ने हमारे परिवार का, जिसको गायत्री परिवार नाम दिया है, उसका निर्माण किया है। यही सबसे सरलतम रास्ता है। व्यक्ति जितना, आज की दोस्ती दोस्ती नहीं रह गई है, आज की दोस्ती दुश्मनी निकालने का साधन बन गई है, बिगाड़ने का साधन बन गई है। परंतु सामाजिक न्याय की व्यवस्था में अगर व्यक्ति बंधेगा, व्यक्ति वास्तविक आस्तिकता का विकास अगर कर सकेगा, उसकी अंतः प्रेरणा सर्वतोमुखी उन्नति अगर कर सकेगी तो समाज में उसको बैठना पड़ेगा। दुनिया मुझे क्या कहेगी? जब तक व्यक्ति इस बात को अपने मुंह से नहीं कहेगा तब तक सुधार उसके अंदर नहीं आएगा। जिस प्रकार नास्तिकता सारे अनैतिक कार्यों को जड़, उनकी जड़ है, उसी प्रकार आस्तिकता सत्कर्मों की मूल आधार है। इसलिए हम सबको स्वयं को आस्तिक बनाना, उसी परम भाव को, परमात्मा भाव को अपनी आस्था में अन्य लोगों के प्रति उत्पन्न करना, परमार्थ के मार्ग को चुनना, संसार में से स्वार्थी सुख शांति की स्थापना तभी संभव हो सकेगी जब स्वार्थ पर कुटराघात किया जाएगा। समय बहुत ही ज्यादा हो चुका है,
आज की बात को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, परंतु आप सबसे कह रहा हूं कि सामाजिकता को मानिए। मेरा कभी भी रुझान नहीं रहा है कि बड़े बड़े आयोजन केवल प्रदर्शन के लिए किए जाएं, ना मेरा रुझान रहा है सामाजिकता को पैदा किया जाए, उसमें आस्था को पैदा किया जाए। इसलिए सामूहिक आयोजन किए जाते हैं। स्थिति ये है कि आज का आदमी तरह तरह के भववंदनों में बंद करके रह गया है, वो अपनी कमजोरी दिखाता है, अपनी मजबूरी दिखाता है। पर मैं ये कहूंगा, जब आदमी बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भाग लेगा, तभी उसके अंदर वो उस गुण का बीजारोपण हो सकेगा कि समाज में वो अपना स्थान बना सकेगा। मैंने कहा था, पोद्दार जी का उदाहरण दिया था, जो हर तरह के उपाधि से बाहर निकल गए थे, आपको भी वैसे ही निकलना होगा। पद प्रतिष्ठा नहीं, ना कर्म को प्रधानता, भावना को प्रधानता देनी होगी, तभी आप उस स्तर तक उठ सकेंगे। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। कल इससे ये कल पूर्वार्ध था, आज उसका उत्तरार्ध है। अब मैं शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, कैसे इन परिस्थितियों से आपको बाहर निकाला जाए, उसके बारे में कल आपको समझाऊंगा। परंतु मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अरे कुछ नहीं तो प्रज्ञा मंडल स्तर पर, प्रज्ञा मंडल के स्तर पर अपने कार्यों को करना शुरू कर दें। हमारा एक परिवार है, जितना उसमें संगठन की भावना होती जाएगी। मैंने बहुत पहले कहा था, ना हम वैद्य हैं, ना हकीम हैं, ना पीएचडी हैं, परंतु बुराइयों को मारने का साधन हमारे पास है, हमारी आस्तिकता। मिटेगा मिटेगा, हम एक तो होना सीखें, समाज में बैठना तो सीखें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।